तो गाइज ये है पूरी सीरीज पार्ट टू एंड अभी हम लोग जा रहे हैं गोल्डन बीच पे। तो ये देख लीजिए कुछ ऐसा है बीच एंड मतलब यहाँ का मतलब वाटर पूरी का बहुत ही ज़्यादा ब्लू है एज़ कम्पेयर टू दीघा वाला जो ओशन वाटर होता है। एंड यहाँ पे देख सकते हैं भीड़ पे तो हम नीचे उतर रहे हैं। तो गाइज जो बीच था ना वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल था एंड यहाँ हम लोग ने बहुत सारे रील्स बनाए और फोटो क्लिक मतलब करवाए। तभी हमारा मन नहीं भर रहा था, गाइज यहाँ पे देख सकते हैं अभी आर्यन आ रहा है, ATV राइड ले रहा था, उसका बहुत मन था लेने का तो ये भी ले रहा है एंड वही चला रहा है इसीलिए इतना टेढ़ा मेढ़ा हो रहा सब। आफ्टर ऑल वो बहुत अच्छा चला रहे रहा मतलब चला ले रहा था फर्स्ट टाइम के हिसाब से। एंड गाइज होटल पहुंचने के बाद हम लोग यहाँ खा रहे दही 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 वड़ा एंड यहाँ का दही वड़ा बहुत अलग होता है, यहाँ पे आलू दिया रहता है। एंड गाइज यहाँ पे आप जो ये व्यू देख सकते हैं ना ये पूरी लाइट हाउस का व्यू है और मतलब पूरा पूरी दिख रहा था उस लाइट हाउस से। वैसे मतलब लाइट हाउस में चढ़ने में के लिए जो स्टेयर्स थे ना उसमें चढ़ते चढ़ते हमारी हालत ख़राब हो गई तो मैं वहाँ वीडियो नहीं कर पाई थी क्योंकि बहुत ही लंबा था लाइट हाउस, तो जो स्टेयर्स है उसमें चढ़ने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। लेकिन आफ्टर ऑल जो आउटकम था वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, तो अब लग रहा है कि नहीं उतने सारे स्टेयर्स क्लाइम करके यहाँ पे आए हैं तो कितना अच्छा व्यू देखने आया यहाँ से। मतलब पूरा पूरी दिख रहा था, मंदिर भी दिख रहा था यहाँ से जगन्नाथपुरी वाला। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे आ गए थे कैफे में, कैफे का नाम है कैफी कैफे एंड कुकीज़ जो कि मरीन रोड साइड पे है। एंड यहाँ पे हम लोग ने ऑर्डर किया था फ्रेंच फ्राइज, वाइट सॉस पास्ता और रेड सॉस पास्ता आर्यन का, मेरा वाइट सॉस वाला। और यहाँ पे कैपेचिनो एंड वनीला लेट जो कि आर्यन पिएगा। एंड ये वाला मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ, ब्लूबेरी टी। और यहाँ पे अभी हम लोग पूरी फैमिली जा रहे हैं फिर से बीच साइड में क्योंकि रात में बहुत अच्छा वो मार्केट लगता है तो मम्मी लोगों को शॉपिंग करनी थी इसीलिए। आ चुके हैं एक रेस्टोरेंट जिसका नाम है रस्किन एंड रॉबिन्स। बाहर से व्यू दिख रहा है एंड लोग बैठे हैं बहुत अच्छी वाली जगह पे, तो आप देखते हैं क्या ऑर्डर करते हैं। हाँ तो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं आर्यन बैठा हुआ है और यहाँ पे देख सकते हैं पूरी फैमिली बैठी हुई है, तो अब देखते हैं क्या ऑर्डर किया जाए। एंड गाइज यहाँ पे हम लोग ने ऑर्डर किया ये रैप जो कि एक वेज रैप है क्योंकि अभी नॉन वेज नहीं खा सकते, सावन चल रहा है, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था ये वेज रैप। और अभी हम लोग फिर निकल गए हैं तो अब हम लोग जा रहे हैं एक्चुअली शॉपिंग के लिए क्योंकि उस टाइम ना सबको भूख लग गई थी एंड इसीलिए हम लोग एक रेस्टोरेंट में चले गए थे। लेकिन अब हम लोग फाइनली एक्चुअली जा रहे हैं शॉपिंग करने के लिए। तो मैंने तो शूज़ पहना था तो मुझसे चला नहीं जा रहा था सैंड में। तो गाइज यहाँ पे मम्मी जगन्नाथ भगवान जी के स्टैचूज ले रही हैं जो कि बहुत सारे हैं एंड यहाँ पे कुछ ब्रेसलेट्स भी हैं और की चेन्स भी, तो देखते हैं। वैसे हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है मतलब ये सब लेने में, हमें सिर्फ फूड एंड ट्रैवल में इंटरेस्ट है। बाकी वो पेन्स आ रहे तो नॉर्मल ही है जो कि हमारे उधर भी मिल जाएंगे, तो ये सब के लिए उतनी नीड्स नहीं है। एंड जो ब्रेसलेट्स है वो भी मिल जाएंगे। एंड गाइस यहाँ पे अभी हम लोग आए हैं बीच साइड में शॉपिंग के बाद एंड हमें बहुत कुछ था बट मेरे को कैमल राइड करना था, हम लोग को कैमल कहीं भी नहीं दिख रहा है यहाँ पे। और गाइस ये हो रहा है मेरा डिनर, तो यहाँ पे देख सकते हैं डिनर जो कि बहुत ही अच्छा था। होटल में हम लोग ना डिनर कर रहे हैं और गाइस अभी हम लोग निकल रहे हैं चिल्का लेक के लिए एंड ये है नेक्स्ट डे का, चलिए चलते हैं चिल्का लेक। तो गाइस यहाँ पे फिलहाल हम लोग मेरे लिए चूज कर रहे हैं लाइफ जैकेट। हम लोग लाइफ जैकेट हम लोग ने पहन लिया है और बहुत ज़्यादा ही गंदा लाइफ जैकेट है, बट स्टिल हमें कुछ और मिल नहीं रहा था क्योंकि आधे जो थे ना उसमें उनके आधे मतलब स्ट्रिप ही काम नहीं कर रहे थे, तो हमें यही वाला लेना पड़ा जो हमें मिला है, तो यही लिया है। और जा रहे हैं नीचे बोर्ड की तरफ, चलिए चलते हैं। तो गाइस यहाँ पे अभी हम लोग पहुँच चुके हैं चिल्का लेक एंड अभी हम लोग जा रहे हैं नीचे की तरफ जहाँ पे एक्चुअली सारे जो बोट्स है वो असेंबल रहता है, तो वहाँ पे हमारे जो मतलब गाइड है वो हमें अपना हमारा जो बोट है वो दिखाएंगे एंड वहीं जाना है हमें, तो चलिए चलते हैं अब। एंड आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर इट क्योंकि पहली बार मेरा ये राइड हो रहा है इतना देर तक,
बोर्ड में, तो चलिए देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहता है। नहीं तो गाइज यहाँ पे इतने सारे बोर्ड्स हैं एंड बहुत सारे बोर्ड पुराने भी हैं, तो अब देखते हैं कौन सा बोर्ड हमारा है। तो वो वाला बोर्ड हमारा जहाँ पे अंकल खड़े हैं ना, नहीं और आ गया। तो हम लोग को कोई और बोर्ड चाहिए था, लेकिन हम लोग को मिला कोई और बोर्ड जो कि बहुत ओल्ड दिखता था, लेकिन वो अच्छा बोर्ड था, चल मतलब चल बहुत अच्छा रहा था। तो गाइज यहाँ पे अभी हम लोग बोर्ड में बैठ चुके हैं एंड यहाँ पे अब अंकल मतलब रेडी कर रहे हैं बोर्ड को पानी के थोड़े और अंदर लेकर जाने के लिए। तो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। तो गाइज यही वो प्लेस है जहाँ पे बहुत सारे डॉल्फिन दिखते हैं, लेकिन हम लोग को दिख रहे थे लेकिन फोन में कोई रिकॉर्ड नहीं हो पा रहे थे अच्छे से, क्योंकि मतलब वो लोग कुछ सेकंड के लिए अपने मतलब जो फेस होता है उसको अप कर रहे थे, फिर डाउन, फिर मतलब नीचे हो जा रहे थे। तो हम लोग को दिखे, लेकिन हम आप लोग हम मेरे फोन में एक भी रिकॉर्ड नहीं हुआ। आई डोंट नो वाई, मैं बहुत देर से धूप में खड़ी थी बट एक भी रिकॉर्ड नहीं हुआ। तो यहाँ पे बहुत सारे बर्ड्स भी एक्चुअली दिख रहे थे एंड यहाँ पे टाइम पास के लिए हमने अपने जो लेग्स हैं उनको वाटर में रख दिया था, बहुत मज़ा आ रहा था। अच्छे से पैर की अच्छे से मतलब मालिश हो गई थी। एंड यहाँ पे हम लोग एक जगह रुकते हैं, तो इस बोट राइड में ना हम लोग पूरा आइलैंड तक नहीं गए, हम लोग ने बस रेड क्रैब वाला एक होता है सब्सक्रिप्शन, उतने तक ही हम लोग ने ये मतलब लिया था। तो हम लोग को 5,000 पड़ा है। ये जो रेड क्रैब है ना, इसकी आंखें ऐसा लग रहा है अभी बस मेरे को आ जाएगा काटने के लिए, देख रहे हैं हमने आईज कभी कैसे किया। बहुत क्यूट लग रहा था, लेकिन अगर मैं अपनी हाथ डालती तो फिर मेरे को ये काट लेता, तो वो रिस्क नहीं लेना है मेरे को। एंड बेसिकली ये जो है ना वो लो टाइड एंड हाई टाइड में मतलब बेसिकली राइज होते हैं, और तो फिर अंकल मतलब ये आ जाते हैं जो मेन होता है ना कॉर्नर वहाँ पे साइड में बीच के, तो फिर अंकल जो होते हैं उन्हें वो ये पकड़ लेते हैं उन्हें और फिर इन्हें यहाँ पे ऐसे के रख देते हैं। देखने से तो सच में लग रहा है कि तीनों ही हमें काटेंगे, लेकिन ये आपका हमने अपने लैंग्वेज क्या हुआ? हाथ ही उसमें नहीं डाले। और यहाँ पे अब अंकल दिखा रहे हैं कि जो होता है ना शीप से स्टोन समुद्र का निकलता गहरा है पानी में मिट्टी खा के रहता है, मोती, वही दिखा मच्छर रहे हैं लोग कि वो मच्छर कैसे पकड़ के निकलता रखते है। हैं, इसमें नहीं है। जो काला वाला निकालते हैं, काला वाला क्या काम करता है ना, कोई इसका जॉइंट पेंट होते हैं, जॉइंट पेंट शुगर आग का रसून कम, काला मोती पानी पीने के बाद वो ठीक होते हैं 21 डेज। थोड़ा वो निकाली तो देख, निकाल के दिखा, इतने सारे निकलेगा कभी एक जैसे नहीं निकालते। अच्छा, रेडा वेंका गोल्ड चैप्टर ऐसे ही निकालते, अच्छा, जहाँ पे आप लोगों को बनाया गया अंगूठी टाइप से नेकलेस वो एक जैसे बना के देते। तो गाइज ये जो है ना वो कोरल है, तो देख सकते हैं अब अंकल इसको भी तोड़ेंगे। जानवर देखो बाहर कितना चढ़ा हुआ का है, भीतर देखो बाहर बोल जैसे। मूंगा मंगल के लिए, गुरु हेल्थ के लिए सारे।
तो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं जो रेड कलर का जो स्टोन निकला है ना, वो बहुत ज्यादा शेप में है। तो वही सबको डाउट हो रहा है कि इतना शेप में कैसे निकल सकता है, बट देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पे और भी है बहुत सारे। तो गाइस अब हम लोग मतलब वहाँ से जो हमारी ट्रिप था वो एक्चुअली टोटल 4 घंटा का था, 4-5 घंटा का। तो अब हम लोग जा रहे हैं घर और सब बहुत ज़्यादा ही थक गए। मतलब अब किसी से मतलब चला नहीं जा रहा क्योंकि बहुत ज़्यादा वहाँ पे गर्मी थी। एंड अभी हम लोग होटल से नीचे उतरे क्योंकि हम लोग को बहुत ज़्यादा लगी है भूख। एंड हमारा जो होटल है ना गोल्डन ट्री, उसका जो लंच है वो टाइम अप हो गया था बूफे का। तो इसीलिए हम लोग जा रहे कहीं और, किसी और रेस्टोरेंट में कुछ खाने के लिए। तो गाइस यहाँ पे अभी हम लोग आए हैं वाइल्ड ग्रास रेस्टोरेंट में। एंड यहाँ की जो मतलब थीम है वो बहुत अच्छी है। एंड दिस इज द मेन्यू। तो अब देखते हैं हम लोगों को क्या ऑर्डर करना है, क्या नहीं करना है। भूख तो हम लोग को मतलब सारी सबको ही लगी है, बहुत ज़्यादा ही, बहुत तेज भूख लगी है सबको। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग का जो ऑर्डर है वो आ गया है, जो कि है दाल मखनी, वहाँ पे है फ्राइड राइस और 2 पनीर। हमने 3 पनीर मंगवाए थे, एक चिली पनीर था और एक नॉर्मल पनीर था, कढ़ाई पनीर था। और हम लोग ने रोटी भी मंगवाया था क्योंकि सब मतलब सब लोग राइस नहीं खाएंगे। एंड गाइस यहाँ पे देख सकते हैं हमारी जो रोटी है वो भी आ चुकी है, नान एक्चुअली। तो अब इसको खाते हैं और